कि भाई, और केंद्र सरकार ने भी तय किया कि लोगों को अभी मुफ्त राशन दिया जाएगा, और जो हम लोगों ने तय किया कि जितने लोग राशन कार्ड धारी हैं, यानी राशन कार्ड धारी कितने हैं, 1,68,00,000 गांव और शहरों को मिला करके, और गांव में 85% लोग राशन कार्ड होल्डर हैं और शहरों में 72%। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा, सोचा कि भाई, इन सब लोगों को अन्य प्रकार से जो आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों के खाते में हम लोग राज्य सरकार की तरफ से उनके मदद के लिए, क्योंकि 14 तारीख तक अभी है कि लॉकडाउन, तो वैसी स्थिति में उन लोगों को राज्य सरकार की तरफ से प्रति लोगों के खाते में 1,000 रुपया हम लोग उनको भेजने जा रहे हैं। उसका काम हम लोग शुरू कर चुके हैं, उसके लिए जो भी तैयारी होती आज ही से उनके खाते में चला जाएगा। और उसी तरह से 2 दिन के अंदर जो हमारे बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या अभी 1,60,000 के करीब आई है, हो सकता है इनकी संख्या और ज़्यादा, निरंतर फोन आ रहा है, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी कितने 44 टीम बना दिया है। और आप जान लीजिए, जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है वहाँ पर और आपदा प्रबंधन विभाग है वहाँ पर मिला करके टीम बना दी गई है, और एक एक व्यक्ति से पूछा जा रहा, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई, आपके साथ कितने लोग तो कोई 40 की बात करते हैं, कोई 50 की बात करते हैं, कुछ भी हो या और कोई ज़्यादा की बात करते हैं, तो सब लोगों का डिटेल लेकर के हम लोग उनको भी सहायता करेंगे। तो हम लोग अपनी तरफ से तो कोई भी जो यथासंभव है, अभी हम लोगों ने शुरू किया, ऐसा मत मानिएगा कि हम लोग इतना ही करेंगे। जो हम लोगों के पेंशनधारी हैं, वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सब लोगों को भी 3 माह का पेंशन देना, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनका स्कॉलरशिप भेज देना, इस तरह से कई तरह की सुविधाएं हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। और आपको मालूम है, भी बता दें, बताइए, जो हम लोगों के यहाँ पर्यावरण का संकट उत्पन्न हुआ है, जल जीवन हरियाली अभियान जितने बड़े पैमाने पर हम लोग चला रहे हैं और आपदा पीड़ितों की मदद भी करते हैं, क्या हुआ इस बार आप सबको मालूम है कि जुलाई महीने में कई जिले प्रभावित हुए, फिर सूखे की स्थिति आ गई, फिर सितंबर महीने में बहुत जिले प्रभावित हुए। अब इसके बाद आप बताइए, जब रबी की फसल अच्छी थी तब हम लोगों को जो पता चला, साहब इसमें फरवरी में कई जगह पर वर्षापात हो गया, करीब करीब 11 जिले प्रभावित हो गए थे, तो उनके लिए हम लोगों ने पहले इंतजाम कर दिया था कि हम उनको भी देंगे इनपुट सब्सिडी। और इसके बाद मार्च महीने में बताइए, 2 दिन 2 बार 3-3 दिन वर्षा हुई, कोई सोच भी नहीं सकता है कि पर्यावरण की ये स्थिति हो गई। तो उसके बाद भी हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण करा लिया और फसल क्षति के भुगतान के लिए हम लोगों ने 518 करोड़ रुपये और स्वीकृति कर दी। तो ये सब काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे चूंकि आप लोगों को प्रेरित किया गया है, आपसे अनुरोध किया गया है कि आप लॉकडाउन में और सुरक्षित अपने घरों के अंदर रहिए, तो वैसी स्थिति में लोगों को कमी है, जरूरत है, तो इसको ध्यान में रखते हुए 1,000 रुपया देने का भी निर्णय। लेकिन इसके अलावे ये मत सोचिएगा, हम लोग एक एक चीज़ को देखते रहते हैं, नज़र रखते रहते हैं, तो और भी जो कुछ भी लगेगा कि हमें और क्या सहायता देनी है, तो इतना आपको हम कह देते हैं कि आप इसकी चिंता मत करिएगा, और भी जो मदद देने की आवश्यकता होगी हम लोग सब वो सब मदद करेंगे। लेकिन एक ही चीज हम सब लोगों का आग्रह आप सब लोगों से कि आप जो समझ चुके हैं कि भाई इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन है यानी सुरक्षित रहना है, ये बात सब लोगों को बताइएगा। होता है कभी कभी हर व्यक्ति को आप कितनी भी बात कहिए, सबको कोई चीज जिसको कहिए वो स्वीकार्य नहीं होता, बहुत लोगों को अस्वीकार्य होता है, लेकिन सब लोगों को कहिए।